दिल्ली में छत पर केसर की खेती, ऐसा आपने न कभी सुना होगा न देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम किचन गार्डन विद पीएस भंडारी में। केसर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। यह कई बीमारियों को ठीक करता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, केसर सिर्फ जम्मू कश्मीर या पहाड़ी एरिया में ही होता है, लेकिन यह केसर के पौधे जो आप देख रहे हैं, यह देसी केसर के पौधे हैं जो कि दिल्ली के एनवायरनमेंट में उगाए गए हैं। इनकी खास बात यह है कि इनको छत में गमलों में उगाया गया है। पीछे मैं केसर पर कई वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि केसर के क्या औषधीय गुण हैं और इसको बोना कैसे है, इसके लिए बीज कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके लिए गमला कैसे तैयार करना है, इसमें कौन कौन सी खाद मिलानी है, गमले में इसकी छटनी कैसे करनी है और इसके पत्तों की सब्जी ग्रीन वेजिटेबल कैसे तैयार करना है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों कि केसर के पौधों में कौन सा फर्टिलाइजर और कितनी मात्रा में यूज करना है। इस फर्टिलाइजर को 20 से 25 दिन के गैप में डालना है। जो यह पौधे आप देख रहे हैं, इनको 45 दिन हो गए हैं। एक बार मैं इसमें लिक्विड खाद डाल चुका हूं। अब मैं दूसरी बार इन पौधों में इस फर्टिलाइजर को डालूंगा। ये सरसों की खली है दोस्तों, ये पौधों में बहुत बढ़िया खाद का काम करता है। यह आपको जहां से पशु चारा मिलता है वहां से आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इसका पाउडर बना देंगे। लिक्विड फॉर्म में मैं पहले यूज कर चुका हूं, इसका भी वीडियो बना चुका हूं। इसको हम पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे। इसको आप हर पौधे में यूज कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया खाद का काम करेगा पौधों में। इसको हम सिर्फ एक चम्मच यूज करेंगे एक गमले में, उससे ज्यादा नहीं डालना है। इसको डालने से एक दिन पहले गमले में पानी नहीं डालना है और इसको मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। उसके बाद इसकी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद एक दिन और इसको धूप में छोड़ देना है। एक दिन बाद इसमें पानी डालना है। इस साल मैंने गमलों की संख्या बढ़ाई है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि दिल्ली जैसे शहर में भी केसर को उगाया जा सकता है। आगे भी दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि केसर के पौधे से केसर कैसे निकालनी है, इसमें खाद कौन सी डालनी है और इसके बीज कैसे निकालने हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आप लोगों के लिए ऐसे जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।